से मुझे याद आते हैं जब मैं पहली बार मेडन स्पीच देने के लिए उठा था। मैं नया नया सदस्य था, जुलाई जुलाई 2010 की बात है, और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जहाँ अब बैठे हैं उसी के बाजू में नासिर हुसैन की सीट पे, जहाँ तक मुझे याद है मैं वहाँ पे बैठा था, और माया सिंह जी हमारी चीफ व्हिप थी, आई बोला कि परसों तुम्हें IRDA और सेबी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और प्रणब दा वित्त मंत्री थे, तुम्हें उसकी डिबेट को शुरू करना है। और मैं एकदम हैरान हो गया, दो ही दिन हुए थे मुझे सदन में आए, शायद तब तक तो कुर्ता पजामा और जैकेट भी नहीं सिलवाया था, जब माया सिंह जी ने कहा कि दो दिन बाद तुम्हें ये डिबेट शुरू करनी है, और मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। मैं उसी दिन रात को मुंबई गया, क्योंकि सब्जेक्ट भी मेरे लिए नया था, इंश्योरेंस या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सेबी तो समझता था फिर भी, तो वाद विवाद समझने के लिए पूरे दो दिन, उस दिन से लेके अगले दूसरे दिन तक दिन रात रिसर्च करते रहा, और पूरी समझी कि क्या ये विषय है, क्या समस्या है, क्या विवाद है, और इसके मुझे फायदा भी हुआ। उसमें मुझे कई चीजें मालूम पड़ी कि जो निजी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज होती हैं वो कैसे एक तरफा होती थी उस समय, मुझे विश्वास है अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा, पर नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आनी शुरू हुई थी और एक तरफा पॉलिसीज होती थी, तो उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ तो ये हुआ कि मैंने कई मेरी पॉलिसीज कैंसिल कर दी जो निजी कंपनियों की ली हुई थी, जब ध्यान में आया कि कैसे वो हमारे खिलाफ उपभोक्ता के खिलाफ जाती थी। और फिर मैंने मेडन स्पीच जो दी, उस समय मेडन स्पीच में समय का सीमा नहीं होती थी, तो काम लगभग 40-30-40 घंटे मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो स्पीच भी लंबी चली, लगभग 40-42 मिनट तक मैंने अपनी बात रखी, पर उसका इतना समाधान मिला जब उस समय के माननीय वित्त मंत्री ने उस स्पीच के बाद जब डिबेट पर रिप्लाई कर रहे थे, एक प्रकार से कुछ वाक्य लेके, मैं वाक्य पे तो नहीं पूरा पढ़ना चाहूँगा, पर उन्होंने जिस प्रकार से मुझे अप्रिशिएट किया, जिस प्रकार से मुझे एनकरेज किया, वो वास्तव में मेरे लिए मेरे स्मरण में जिंदगी भर रहेगा। और उस समय उनकी बात में जो भाव था, जो एक प्रकार से एप्रिसिएशन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैंने विषय को रखा था मेरी मेडन स्पीच में और पूरे सब्जेक्ट को स्टडी किया था, वो आगे चल के मुझे पार्लियामेंट की सेवा करने में मदद करेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था, दिस इज द चेंबर, दिस इज द सिस्टम वेर वी एग्री टू डिसएग्री, देर विल बी डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज, देर विल बी डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन, एंड थ्रू दीज डाइवर्जेंसेज, थ्रू दीज डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन, थ्रू डिस्कशन वी विल अराइव एट अ सोल्यूशन। ये उनका वाक्य मेरे लिए जिंदगी भर एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि कैसे हमने आगे चल के अपनी अपनी बात भी रखनी है, दूसरों की बात से भी सीखना है। मुझे याद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं सामने, एक बार एक कैश फॉर वोट्स का स्कैंडल हुआ था, उसके ऊपर बड़ा गंभीर चर्चा भी चल रही थी, तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने उर्दू के शायर मिर्जा गालिब जी को कोट किया था, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। और उसी समय तुरंत माननीय सुषमा स्वराज जी जो उस तरफ बैठी थी, उन्होंने जवाब में कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये जो भावना थी दोनों तरफ, ये वास्तव में सदन की गरिमा बढ़ाती थी, और ये है जो छाप मैं समझता हूँ, जो यादें हम यहाँ से लेके जब नए सदन के नए प्रांगण में जाएंगे, नए वास्तु में जाएंगे, तब ये यादें लेके मैं समझता हूँ हम सभी प्रयास करेंगे कि और अच्छे तरीके से हम आगे अपना अपना काम कर सकें। अटल जी ने एक बार मई 1996 1996 1996